सो वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बजट 2024-25 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो विकसित भारत पे थीम्ड ये बजट युवा, महिला, अन्नदाता एंड गरीब पे फोकस्ड है। एंड कैसे ये बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फार्मर्स एंड मिडिल क्लास को हेल्प करेगा, आज हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। सो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि April 1 से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है। सो जो बजट आया है वो 2024 से लेके 2025 तक लागू होगा। अगर हिंदी में देखें, बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित आय और खर्च का विवरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग टैक्स देते हैं सरकार को। सो जो भी इनकम सरकार को इस से आती है, सरकार उसको बजट के थ्रू प्लान करती है फॉर वेरियस थिंग्स लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, स्पेस सेक्टर। तो दैट इज उनका क्या क्या खर्च होगा। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी स्कीम्स पे होगा उसका एक कंप्लीट एनालिसिस गवर्नमेंट बजट में लाती है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। मतलब एज अ टर्म बजट कहीं मैंशन नहीं है, बट उसको एस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बजट एज अ टर्म नहीं लिखा हुआ, बट हम आम भाषा में उसको बजट कहते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 112 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। द प्रेजिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो राष्ट्रपति के नाम से ये ले किया जाता है बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को दही चीनी खिलाया। तो उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बजट को ले करते हैं। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट पेश किया दोनों हाउसेस में। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। देन अगर हम गवर्नमेंट के मोटो की बात करें, गवर्नमेंट का मोटो है विकसित भारत बाय 2047, ताकि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने बाय 2047 विकसित भारत। और उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इस बजट में चार मेजर कास्ट पे फोकस करेगी, दैट आर गरीब, पुअर, ताकि उनकी पॉवर्टी कम की जा सके, देन महिला, वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, देन यूथ, युवा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस कर सके, एंड फार्मर्स, फार्मिंग को सस्टेनेबल एंड रेजिलियंस बनाया जा सके। सो दीज आर दी फोर मेजर कास्ट जिसपे गवर्नमेंट का बजट का फोकस रहेगा, गरीब, वुमेन, युवा एंड अन्नदाता। सो हमारा बजट की थीम भी इसी पे फोकस्ड है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, ताकि हम यूथ को, जो हमारी युवा शक्ति है, उसको एम्प्लॉयमेंट दे सके, देन स्किलिंग हो वुमेन की, वुमेन, फार्मर्स, पुअर को स्किल कर सके, देन MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी हम एम्पावर कर सके, एंड लास्टली मिडिल क्लास को भी रिलीफ मिले। सो दिस वॉज दी बजट थीम। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। तो टोटल गवर्नमेंट की 9 प्रायोरिटीज हैं इस बजट के लिए। सो टोटल 9 प्रायोरिटीज या की फीचर्स हैं फॉर विकसित भारत। फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी एंड रिलीजियंस इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सके हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च को। तो एज ऑफ नाउ अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा बजट बहुत कम था, लेस देन 2% है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी एग्रीकल्चर। तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है आत्मनिर्भरता ऑयल सीड्स में, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सेसेमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ज्यादातर ऑयल सीड्स, अगर हम पाम ऑयल की बात करें, पाम ऑयल सीड्स, सनफ्लावर, ज्यादातर ये इंपोर्ट करते हैं। मोर देन 60% ऑयल सीड्स हम बाहर से लेके आते हैं, तो उसमें हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। देन रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, 109 हाई एडिंग एंड क्लाइमेट रिजिलियंट वराइटीज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमें ऐसे क्लाइमेट रिजिलियंट वराइटीज चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। तो ऐसे सीड्स, देन वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन एंड नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी। तो कॉपरेटिव सेक्टर के लिए एक ऑलराउंड पॉलिसी आएगी। देन नेचुरल फार्मिंग, 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इन नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देन श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, श्रिम्प प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना एंड देन एक्सपोर्ट करना। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंश्योरेंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स, तो किसान क्रेडिट कार्ड को भी रिवैम्प किया जाएगा. सो दिस इज द एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट प्रायोरिटी इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग. तो दिस इज द सेकेंड प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट. अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट का इशू इस बार इलेक्शन में भी मेन स्ट्रीम पे रहा. तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सुनने को मिला एंड गवर्नमेंट ने इस बार बजट में टोटल 33 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट टर्म मेंशन किया. तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उनकी स्पीच में 33 टाइम्स या तो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र हुआ और देन 5 नई स्कीम्स भी लॉन्च हुई. तो गवर्नमेंट इस बजट में टोटल 5 नई स्कीम्स जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू है 2 लाख करोड़ रुपीज, जो कि 4 करोड़ युवा को बेनिफिट करेगा. सो दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द बजट. तो बजट का फोकस है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे. सो इसको पीएम पैकेज भी कहा जा रहा है, 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव. सो जो भी नए लोग फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे उनको 1 महीने की वेज मिलेगी अप टू 15,000 रुपीज. देन गवर्नमेंट ईपीएफओ के कॉन्ट्रीब्यूशन को रीइंबर्स करेगी टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 रुपीज. देन जॉब क्रिएशन किया जाएगा इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्प्लॉयज है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी इम्प्लॉयज होगे उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, इम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है, जो जॉब देगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जिसको जॉब मिलेगी उसको भी बेनिफिट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा. तो दिस इज द ओवरऑल बेनिफिट, ताकि इम्प्लॉयमेंट भी हो सके और स्किलिंग भी हो सके. देन फोर्थ स्कीम इज द स्किलिंग प्रोग्राम. 20 लाख युवा लोगों को स्किल किया जाएगा ओवर अ 5 ईयर पीरियड और उसी के साथ साथ 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसको हम ITIs बोलते हैं. 1,000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा. देन हायर वुमेन की पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट किया जाएगा वर्कफोर्स में. लोन मिलेंगे अप टू ₹7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, जो कि 25,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा. देन फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन. ई वाउचर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, हर साल 1 लाख ई वाउचर को स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3%. सो दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हम जॉब स्किलिंग भी कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बढ़ावा दे सकें. नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. सो दिस इज थर्ड प्रायोरिटी. फर्स्ट थी एग्रीकल्चर, सेकेंड थी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एंड थर्ड इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जिसमें पूर्वोदय विकास भी विरासत. पूर्वोदय ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, जो हमारी कंट्री की ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इनको विकसित भारत के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी. देन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें एक इंडस्ट्रियल नोड डेवलप की जाएगी एट गया बिहार. देन एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स. उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसमें 63,000 विलेजेस को 5 करोड़ लोगों में हेल्प किया जाएगा. तो 63,000 विलेजेस में 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को इसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा. देन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 1,000 ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में. उसके बाद जो सबसे कंटेंशियस इशू था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. तो 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो तेलंगाना के पास चला गया हैदराबाद एज इट्स कैपिटल. और आंध्र प्रदेश अभी तक बोलता है कि हैदराबाद एज अ सिटी बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, जो तेलंगाना के पास चलेगी और हमारे साथ अन्याय हुआ है. तो ऐसे ही एक सपोर्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपीस, ताकि आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल अमरावती को डेवलप कर सके. तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, उसको डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ रुपीज का प्रावधान है. देन कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट, ये भी वन ऑफ द मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, दोनों आंध्र प्रदेश के हैं, हमें याद रखने. नेक्स्ट प्रायोरिटी इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. तो इसमें MSMEs पे ज्यादा फोकस है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, मुद्रा लोन्स. सो ये नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्मिंग स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को ये लोन दिए जाते हैं. कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए, फार्मिंग नहीं होना चाहिए, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 3 फॉर्म्स में ये दिए जाते थे, शिशु,
किशोर एंड तरुण। शिशु को 50,000 तक के लोन मिलते थे, किशोर को 5 लाख तक एंड तरुण को 10 लाख तक। तो इसी की लिमिट 10 लाख से अभी 20 लाख बढ़ा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई चिप्स की फैक्ट्री की बिस्किट की फैक्ट्री सेट करनी है, तो ये इसी लोन्स के अंडर आती है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मिंग स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को मुद्रा लोन्स मिलते हैं। तो ये स्कीम हमें अच्छे से याद रखनी है। देन 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन रेंटिंग हाउस विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन पीपीपी मोड। उसके बाद हमने सेकंड प्रायोरिटी जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में देखा था, वहां पे हमें 4 स्कीम्स डिस्कस की थी। और दिस इज द 5th स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी टू टॉप 500 टॉप कंपनीज, टू 1 करोड़ यूथ इन एवरी 5 ईयर, जहां पे 5,000 पर मंथ की अलाउंस दी जाएगी। तो ये भी हमें याद रखना है। वहां पे हमने देखा था इम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिल रहा है, इम्प्लॉयर्स को ईपीएफओ के थ्रू बेनिफिट मिल रहा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही इंटर्नशिप ऑफर्स की जाएंगी जो भी वो हायरिंग करेंगे। नेक्स्ट प्रायोरिटी इज दी अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी को कम कर दिया है, इन स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा। देन स्ट्रीट मार्केट्स, वीकली हॉट्स इन और स्ट्रीट फूड हब्स इन सेलेक्ट सिटीज, ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जहाँ पे फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। देन हाउसिंग के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो गवर्नमेंट 2 स्कीम्स चलाती है, पीएम आवास योजना दैट इज फॉर अर्बन एरियाज एंड पीएम ग्रामीण आवास योजना जो कि रूरल एरियाज के लिए। तो 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज की एड्रेस किया जाएगा विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ अर्बन पुअर को ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के अंदर, जिसमें अप टू 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपीज तक के बेनिफिट मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी इज दी एनर्जी सिक्योरिटी। तो अभी हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एनर्जी, सोलर विंड न्यूक्लियर। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन रहेगा ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट हम अपना कम कर सकें। तो इसी में एक न्यूक्लियर एनर्जी भी है, इनिशिएटिव्स विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। सो एज ऑफ नाउ न्यूक्लियर एनर्जी में ज्यादातर जो हमारे रिएक्टर्स हैं वो फ्रांस, रशिया, यूएसए से आते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें एक भारत स्मॉल रिएक्टर भी सेटअप करना है। देन पम्प्ड स्टोरेज फैसिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करना है। देन एनर्जी का ऑडिट होना चाहिए। देन AUSC थर्मल पावर प्लांट्स। तो इसी के साथ साथ एक गवर्नमेंट ने नई स्कीम भी लाई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहां पे अप टू 60% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स। जो हम अपने घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं, तो उसी के अंदर 1 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें उनको 300 यूनिट्स एवरी मंथ फ्री मिलेंगे और इसमें 60% सब्सिडी भी मिलेगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट प्रायोरिटी इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और जिसके लिए 11,11,111 करोड़ 3.4% ऑफ GDP की प्रोविजन है, और इसमें से 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स को दिया जाएगा एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स। 50 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना काम कर सके। देन पीएम ग्रामीण सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना के अंडर 25,000 रूरल रोड्स भी बनाई जाएंगी। देन इरिगेशन फ्लड मिटिगेशन हम देख सकते हैं कोसी बिहार में, जिसको सॉर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बहुत फ्लड करती है, तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। देन जो हमारे हिमालय रीजन है, पूर्व उत्तर के रीजन है, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, इनको भी असिस्टेंस दी जाएगी फॉर फ्लड मिटिगेशन एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। एंड नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसमें टूरिज्म, टूरिज्म सेक्टर में डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। देन राजगीर को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी बुद्धा के टाइम पे, यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल। देन डेवलपमेंट ऑफ नालंदा, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को उद्घाटन किया था। देन उड़ीसा को भी इसमें असिस्टेंस दी जाएगी। तो टूरिज्म सेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
एंड नेक्स्ट इज द इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की रहेगी इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमने एग्रीकल्चर में देखा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, तो इसको ऑपरेशन किया, इसका ऑपरेशनलाइजेशन किया जाएगा ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड. देन प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया जाएगा कि आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें. देन स्पेस इकोनॉमी, ए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ रुपीज 1,000 crores इज टू बी सेटअप. एंड लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जो कि रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस हैं. तो हम जब आजाद हुए थे 1947 में, तो तब भी गवर्नमेंट का ये फंक्शन था कि लैंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादातर लिटिगेशन जो कोर्ट्स में है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैंड. तो दीज आर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स दैट आर यूनिक, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस. वन सेकेंड, आई थिंक हमने स्किप कर दिया, गिव मी अ सेकेंड. यस, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्वे ऑफ मैप बेस्ड डिविजन, लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्ट्रेस, लिंक किया जो भी फार्मर्स की लैंड है उनको रजिस्टर किया जाएगा, डिजिटाइजेशन ऑफ दिस डिजिटल मैप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री. इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स है दैट आर टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, एक नई स्कीम भी लेके आएगा एनपीएस वत्सल्य, अ प्लान फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स. तो हमें पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद खत्म हो गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम. तो उसके बाद आई न्यू पेंशन स्कीम जिसमें हम भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है. तो बच्चों के लिए भी, जिसका नाम दिया गया एनपीएस वत्सल्य, बच्चों के लिए भी एक ऐसी ही स्कीम प्लान की गई है. देन डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि एंजल टैक्स को अबॉलिश किया गया है. देन सिंपलर टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स, और कॉरपोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया गया फ्रॉम 40% to 35%. देन इनकम टैक्स जो हमारी स्लैब्स है उनमें भी चेंजेस लाए गए हैं, 0 to 3 lakh में नील होगा, 3 to 7 lakh में 5% होगा. सो दिस वॉज अर्लियर 3 to 6 lakh. तो पहले 3 to 6 lakh तक का जो इनकम था उस पर 5% चार्ज किया गया, जिसको बढ़ा के अभी 7 lakh कर दिए. देन 7 to 10 lakh में 10%, 10 to 12 lakh में 15%, 12 to 15 lakh में 20%, एंड ग्रेटर देन 15 lakh इज 30%. और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए वो इंक्रीज कर दिया 50,000 to 75,000. सो दिस इज द इनकम टैक्स स्लैब्स. अगर हम रुपये की बात करें कि ये सब हमने स्कीम्स डिस्कस की हैं, रुपया आएगा कहाँ से और कहाँ कहाँ जाएगा, तो हमारा जो 27% रुपीस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा वो बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज के थ्रू आएगा. तो गवर्नमेंट बोरो करेगी मार्केट से, तो वहां से पैसा आएगा. उसके बाद 19% इनकम टैक्स आएगा, उसके बाद GST आएगा 18%, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स आएगा 17%. तो इसका हमें सीरियल वाइज याद रखना है, सबसे ज्यादा पैसा हमें कहाँ से आएगा, बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज. उसके बाद गवर्नमेंट अर्न करेगी इनकम टैक्स से 19%, देन GST, कॉरपोरेशन टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट इज द 5th. तो ये याद रखना है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा. उसके बाद ये पैसा जाएगा कहाँ, ये भी हमें बताना चाहिए. रुपीस गोज टू, सबसे ज्यादा पैसा जाएगा स्टेट्स को, स्टेट का जो शेयर होता है जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, बिकॉज जो इनकम टैक्स होता है उसमें सिर्फ सेंटर का होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ सेंटर के पास ही जाएगा. तो उसके बाद इसका जो स्टेट का हिस्सा है फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितना हिस्सा स्टेट के पास जाएगा. तो ऑलमोस्ट 21% इस चीज का हिस्सा स्टेट्स के पास जाएगा. उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम यहाँ पे बोरो करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी तो हमें भरना होगा, तो 19% इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा. उसके बाद 16% जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम वहां पे जाएगा. तो ये भी हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाएगा, स्टेट्स को जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड लास्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स. तो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाली है, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हम डिफेंस सेक्टर में स्पेंड करेंगे, ऑलमोस्ट 4,54,773 crore rupees. तो डिफेंस सेक्टर में हम सबसे ज्यादा स्पेंड करेंगे.
उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में 2,65,808 रुपीज़, देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज 1,51,851, देन होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी, टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करने वाली है? डिफेंस सेक्टर में। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको हमारा बजट सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। थैंक यू।